हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। कल हमने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतना बवाल बन जाएगा, बिकॉज हम एज ए इंडियन फुटबॉल फैन हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि भाई हमारी टीम इतना अच्छा करेगी। लेकिन जब मैच चालू होता है और देखते हैं हम कि हमारी टीम अक्सर में अच्छा कर रही है, एक्चुअली वी वर डूइंग गुड, लेकिन द रेफरी, द कतार रेफरी, या तो कौन से भी रेफरी हो, चाइना के हो, मलेशिया के हो, डजेंट रियली मैटर, दे हैड डिफरेंट प्लान। जी हाँ, हम तो ऐसे ही आए थे मैच देखने के लिए, लेकिन क्या पता था कि भाई हमें ये देखने मिल जाएगा। कल रात को इंडियन फुटबॉल टीम की और इंडियन फुटबॉल फैंस का जो ड्रीम्स था, ऐसा दिख रहा था कि ऑलमोस्ट वो खत्म, या तो ऑलमोस्ट सॉरी ऑलमोस्ट वो पूरा हो रहा है। वी वो ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग द हिस्ट्री, वी वो ऑन द वर्ज ऑफ क्वालिफाइंग टू द राउंड ऑफ थ्री, एंड हमें एक डायरेक्ट क्वालिफिकेशन भी मिल जाता फॉर द एएफसी एशियन कप, बट देन रेफरी हैपेंड एंड वो जो रॉबरी वाली बात हुई है वो ही है। तो आई डोंट नो कि वेयर टू स्टार्ट, लाइक रॉबरी के बारे में पहले बात करूँ या मैच कैसा गया, हमारे प्लेयर्स कैसे खेले उसके बारे में बात करूँ। बट पहले आ जाते हैं रॉबरी, बिकॉज दैट्स द मेन केस, दैट्स द मेन केस। पहले आ जाते हैं रॉबरी के ऊपर। तो पहली बात तो ये है कि ये नया कुछ नहीं है, ठीक है, ये हमारे साथ पहले भी हुआ है। मलेशिया के साथ हुआ था, आपको अगर पता रहेगा, मेडेगा कप में जहां भी चांगटे ने गोल मारा था। तो वो अगर आप बात करोगे वो एक टाइम के लिए ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ इंटरनेशनल फ्रेंडली, वो एक फ्रेंडली था, वो एक फ्रेंडली मैच था, तो यू कैन लेट गो, यू कैन लेट गो, क्योंकि उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट कल जब इतना बड़ा फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच था, इट वॉज फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच, एंड देयर वाज लॉट ऑफ स्टेक्स। ठीक है, कतार के लिए तो कुछ नहीं था, कतार वो ऑलरेडी क्वालिफाई, बट वी वर फाइटिंग फॉर दैट सेकंड स्पॉट, वी वर फाइटिंग फॉर द सेकंड स्पॉट। द स्टेक्स वर सो हाई, द स्टेक्स वर सो हाई, बिकॉज हम लोगों ने सोचा नहीं था हमारी टीम इतना अच्छा करेगी। टिल द 60 to 65 मिनट्स वी वर गुड, वी वर मैनेजिंग देम। कतार पूरी पैनिक कर रही थी, कतार इन द सेंस अगर बात करें डेस्परेट है कि मैं कैसे ना कैसे करके गोल मारना है, बिकॉज अगर आप बात करें उनके फेस पे ऐसा लग रहा था कि दे वो पैनिक है, एंड उन्हें कैसे ना कैसे करके गोल चाहिए था, एंड दे न्यूड कि अगर एक गोल आएगा तो दूसरा गोल भी आ जाएगा। और वही हुआ कल, जब ये कतार के प्लेयर कॉर्नर लेते हैं एंड शॉट लिया या तो पैर लगा कतार प्लेयर का, एंड गुरप्रीत सिंह संधू सेव करने के टाइम पे उनका चीरी निकल गया, उनके पैरों के बीच से निकल गया, लेकिन वो बॉल बाहर चला गया था, वो बाहर चला गया था, एंड देन उनके एक प्लेयर ने बॉल अंदर लिया एंड ही स्कोर द गोल। अभी ये सेम सीनारियो जापान और स्पेन का भी हुआ था, अगर आपको पता है वर्ल्ड कप में जब ये बॉल एक थोड़ा सा इंचेस के लिए थोड़ा अंदर था, कोई बाहर बोल रहे थे, तो सेम सीनारियो था। ठीक है, तो वो वाले केस में 50-50 था, ठीक है, जापान और स्पेन का जो वर्ल्ड कप का मैच था वो वाले केस में 50-50 था। मेडेगा कप में भी अगर बात करेंगे, मेडेगा कप में चलो ठीक है, हम जान देते कि इंटरनेशनल फ्रेंडली है, ठीक है, क्या होएगा, फ्रेंडली तो है, बट नाउ इतना फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइज का राउंड टू का इतना बड़ा मैच जहां पर स्टेक्स इतने हाई है, इंडिया वो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग द हिस्ट्री बाय क्वालिफाइंग टू द राउंड थ्री, तभी आप ये ऐसे मिस्टेक करते हो। रेफरी ने सही बता रहा हूं, हमारे प्लेयर्स गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई प्लीज चेक तो कर लो, प्लीज चेक तो कर लो, हम ऐसा भी नहीं बोल रहे कि भाई आपने गलत डिसीजन दिया, पर एटलीस्ट चेक द डिसीजन, एटलीस्ट आप चेक कर लो भाई, ठीक है, एटलीस्ट आप चेक कर लो, एंड विच इज सच अ शेम कि ऐसे क्वालिफायर में हमारे पास वीएआर नहीं थे, हमारे क्वालिफायर में वीआर नहीं थे, चलो ठीक है मैं वीआर बोल भी नहीं रहा, पर एटलीस्ट चेक द भाई, एटलीस्ट चेक तो करो भाई पूरा बॉल। और इसमें कल डाउट ही नहीं था, कल बात करो ना, कोई लोग बोलते कि 50-50 रहता तो इसमें क्या कर सकते, टुमारो इट वॉज नॉट 50-50, टुमारो इट वॉज एब्सोल्यूट 100% कि वो बॉल बाहर गया था। एंड उल्टी बात तो ये, गलत बात तो ये कि भाई कतर के प्लेयर्स गोल मार के सेलिब्रेट भी कर रहे थे, पागलों की तरह सेलिब्रेट भी कर रहे थे, एंड देन उसके बाद क्या होता है, ऑब्वियसली सेकंड गोल मार देते इन स्पैन ऑफ 5 to 10 मिनट्स, एंड वो चला जाता है। एंड अभी हम बोलेंगे कि भाई नो कि रॉबरी कैसे चल जाएंगे, पहली बात तो हम ऐसे सिचुएशन में आने ही नहीं चाहिए, बिकॉज आफ्टर विनिंग द फर्स्ट गेम ऑफ कुवैत दैट टू अवे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आप दोनों मैच कर सकते हो अफगानिस्तान के साथ और कुवैत को भी हरा सकते हो, वो तो छोड़ ही दो, वो तो हमने किया ही नहीं कि दोनों अफगानिस्तान के साथ अपन हार गए और ड्रॉ कर दिए एंड कुवैत के साथ भी ड्रॉ कर दिया, वो तो छोड़ ही दो, बट हमने एटलीस्ट हमारे होम मैचेज में अपने एक पॉइंट या तो एक मैच जो जीता नहीं, एक कतर को तो जान दो, कतर के साथ 3-0 से हर गए थे, अफगानिस्तान के साथ भी हम 2-1 से हर गए थे, एंड कुवैत के साथ ड्रॉ किया था, तो ऑब्वियसली ये तो है ही नहीं कि भाई ये रेफरी की वजह से हम लोग बाहर हो गए, यहाँ तक आने ही नहीं चाहिए था, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आने ही नहीं चाहिए था, हम इंडियन फुटबॉल टीम, हमारे प्लेयर्स, हमारे कोच को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि भाई ये लास्ट मुकाबला तक वो क्वालिफिकेशन सीनियर आने ही नहीं चाहिए, वो तो कैसा है कि भगवान का दुआ था, भगवान का आशीर्वाद था कि हम लोग को लास्ट मैच में जाते जाते भी चांस था कि हम लोग क्वालिफाई कर सकते, बट यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए,
सीधी बात, यहाँ पर सिंपल सी बात है, अफगानिस्तान का मैच या कुवैत का मैच तक हमें डिसाइड कर लेना चाहते कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं, बट हम कैसा है कि हम तो है ही है, हम तो लास्ट मैच जाके आते हैं तब जाके उठते हुए तब जाके इंटेंट दिखाते हैं, हंगर दिखाते हैं कि हमें क्वालिफाई करना है। और कल वही था। कल अगर बात करेंगे, इट वॉज बैक थ्री ऑफ मेहताब सिंह, राहुल बेके, अनवर अली, विच अ रियली रियली गुड। राहुल बे की बात करो, मेहताब सरप्राइजिंगली ही हैज प्लेड द बेस्ट गेम इन द इंडियन नेशनल टीम कलर्स। अनवर अली एज ऑलवेज रॉक था। गुरप्रीत संधू अपना कैप्टनसी अगर आप बात करेंगे, जो कॉन्फिडेंस के साथ वो बॉल कलेक्ट कर रहा था, चाहे कितने भी ऊंचाई हो जाए, ही वॉज कलेक्टिंग द बॉल। तो पूरा डिफेंस अगर बात करें, वी वर डूइंग ब्रिलियंट। जय गुप्ता और क्लास प्लेयर वी हैव गॉट, जी हाँ, एक तगड़ा कॉम्पिटिशन आकाश मिश्रा के लिए। एंड नाउ आकाश मिश्रा कांट स्लीप, आकाश मिश्रा कांट स्लीप बिकॉज जय गुप्ता हैज अराइव्ड। एंड मुझे लगता है कि इफ आकाश मिश्रा इज नॉट ऑन हिज टो, ठीक है, जय गुप्ता कैन एक्चुअली ईट हिज प्लेस। राइट बैक पे अगर बात राइट विंग बैक पे बात करोगे तो अपन मनवीर सिंह अपना काम कर रहा था। मनवीर सिंह अगर बात करोगे अटैक में, चलो ठीक है, आई नो उसने वो चांस मिस किया, ही मिस दैट शिफ्ट, लेकिन अगर बात करोगे थ्रू आउट द गेम ही वॉज वेरी डिफेंसिवली गुड। और ऐसा लग रहा था कि थोड़ा मोहन बन का इसका आत्मा आ गया, जब भी मोहन बन में खेलता था देवर ही यूज टू प्ले लाइक दैट, तो तभी वैसा था। मिडफील्ड में अगर बात करोगे, आज जिक्सन था एंड थापा था, जिक्सन एंड सुरेश था, एंड हमने देखा मिडफील्ड रन आउट नहीं हुए, एक रन ओवर नहीं हुए। सुरेश देख सकते हो, जिक्सन देख सकते हो, जिक्सन आने के बाद जो स्टेबिलिटी मिलती है, एंड दैट्स व्हाई वी वर टेलिंग कि आप जिक्सन को स्टार्ट कराइए। और मेरे हिसाब से तीन में हमारे बेस्ट मिडफील्डर जो है वो है जिक्सन, सुरेश, अपुया। ये तीन के अलावा वी डोंट हैव एनीथिंग। तंगरी ठीक है बोल सकते हैं, बट विद द बॉल, विद द बॉल, विद द कंपोजर, वो जो बॉल पे जो कंपोजर है, ये तीन बंदे लोग हैं जो हमारे बेस्ट हैं, विच आर द बेस्ट इन द बिजनेस। तो ये इन्होंने मिडफील्ड काफी अच्छे की काम किए। चांगटे अगर बात करें, चांगटे वॉज द गोल स्कोरर, वी स्कोर द फर्स्ट गोल, जी हाँ, ओपन प्लेस है हमारा ये फर्स्ट गोल था 2024 में। एंड ऑल ओवर देखोगे तो 2024 में ये हमारा सीजेस्ट दूसरा गोल था। अगर आप बात करोगे लास्ट टाइम हमने जो ओपन प्ले गोल मारा था वो अगेंस्ट कुवैत मारा था इन द मंथ ऑफ नवंबर लास्ट ईयर, ठीक है, उसके बाद से हमने पहला ओपन प्ले मारा। ब्रेंडन एज ऑलवेज, हम पहला फर्स्ट 15 मिनट वी आर नॉट देयर, लेकिन ब्रेंडन ने बॉल बढ़िया डाली एंड चांगटे हुए। रहीम अली स्पेशली, उसको मैं मेंशन करना चाहता हूँ। रहीम अली, हम बात करते कि वो चांसेस मिस नहीं करता, ये से एक चांस था जहाँ पर वो कर सकता था, लेकिन डिफेंडर हैड कम अर्ली एंड उसने टैकल लिया तो स्लाइड मार दिया था। बट रहीम अली अगर बात करोगे, चाहे कितना भी लॉन्ग बॉल्स पे लॉन्ग बॉल्स मार रहे थे, हमारा रहीम अली जो रन मार रहा था, ही वॉज ड्रॉपिंग इन, वो बॉल कलेक्ट कर रहा था एंड वो ना दूसरे के लिए बॉल प्रोवाइड कर रहा था, ही वॉज एवरीथिंग, ही वॉज मेकिंग रन एंड बॉल कलेक्ट कर रहा था। एंड समझ रहे, मैं जो बोल रहा ना कि ही वॉज मेकिंग हिज एफर्ट, ही वॉज मेकिंग इट एफर्ट। और अगर जब कोई बंदा ऐसा तगड़ा एफर्ट डालता है ना, और अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे करते हो, तो जो गोल है वो गोल बस कुछ ही मैच दूर है और वो गोल आना ही है, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि रहीम जो अपना गुड वर्क है जो उसने कल दिखाया है वो कंटिन्यू करें एंड साथ ही साथ गोल भी मारें, विच विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू अस। एंड जो इंस्टाग्राम मॉडल है, हमारे जो इन्फ्लुएंसर है केरला ब्लास्टर्स के, इंडियन फॉरवर्ड, तो उसको बाहर निकाल जाए, उसका रास्ता काट जाए। तो यहाँ पर रहीम अली ने बहुत तगड़ा खेला। एंड कल अगर बात करोगे, लग रहा था टीम को देख के कि भाई ना एक हंगर है, एक नो बोल एक चाह है कि भाई हमें जीतनी है। बट द थिंग इज दैट, अभी मैं फिर भी बोल रहा हूँ, इगोर तो निकल भाई, इगोर भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, बोलता है कि अगर हमारे पास पीयूआई या ओसीआई रहते तो हम क्वालिफाई कर जाते हैं। भाई तू फिर से आ गए इस पर, आप फिर से आ गए। सिंपल सी बात है, आपने बोला था कि भाई आप निकल जाओगे अगर हम क्वालिफाई थ्री नहीं करेंगे, ठीक है, राउंड थ्री में, तो आप निकल जाओ भाई, आप निकल जाओ। मुझे न्यूज़ आ जानी चाहिए दोस्तों, मुझे न्यूज़ आ जानी चाहिए, ही शुड बी सैक्ड। अभी तक तो सैक हो जाना भी चाहिए था इफ यू ऑफ अ फुटबॉलिंग नेशन। हम फुटबॉलिंग नेशन नहीं है, हम बिल्कुल भी फुटबॉलिंग नेशन नहीं, इसलिए हम अभी तक सैक नहीं कर रहे। हम रुक रहे भाई, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अभी तक वो सैक कर देना चाहिए भाई, एक और समझ को सैक कर देना चाहिए, सच बता रहा हूँ। आई होपफुली आज न्यूज आ जाए, तो दैट्स द थिंग। एंड द थिंग इज दैट कि अभी कल प्लेयर्स लोग ने अच्छा खेला, तो मैं फिर भी बता रहा हूँ ये प्लेयर्स सेम है, प्लेयर्स कुछ बदले नहीं है, ठीक है, ये प्लेयर्स बदले नहीं है, ये द सेम प्लेयर्स है जो अफगानिस्तान के साथ ड्रॉ किए थे, हार गए थे अपने होम ग्राउंड पे, कुवैत को हरा नहीं पाए थे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अचानक से ये प्लेयर एक दिन में बढ़िया बन गए, नहीं, दिस प्लेयर्स आर द सेम, वेदर इट बी चांगटे, वेदर इट बी जय गुप्ता, एंड बोलो ये सब सेम है। तो द प्लेयर्स नीड टू हैव दैट अकाउंटेबिलिटी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी मेरा यही मानना है कि जितना हम प्लेयर्स को अकाउंटेबिलिटी देंगे, जितना प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने खराब फॉर्म का या तो अपने खराब मैचेस रिजल्ट का, उतना हम अच्छा बनेंगे, बिकॉज हर टाइम मैनेजर का ब्लेम करेंगे। सी इगोर का मैं पीआर नहीं कर रहा, इगोर तो है ही है, वो तो निकलने वाला है,
और मेरे को फर्क नहीं पड़ता बिकॉज हिगोर इज अ क्रोएशियन, ठीक है, वो अपना बंदा नहीं है। मुझे मेरे अपने बंदों के बारे में बात करना है, मुझे ये देखना है कि मेरे अपने बंदे क्या कर रहे हैं। तो जब तक अगर हम अपने बंदे को ब्लेम नहीं करेंगे तो वो सुधरेंगे नहीं, चाहे कौन सा मैनेजर लेके आ जाओ, ये हर बार होने वाला है, ठीक है, ये हर बार होने वाला है। सो दैट्स द थिंग, आई रियली होप कि अपने जो प्लेयर्स है वो अच्छा करें, बिकॉज ये लोग आईएसएस में अच्छा करते हैं बट यहाँ पर खराब हो जाते हैं। अगर यही सेम चलता रहा फ्रॉम द नेक्स्ट कोच, अंडर द नेक्स्ट कोच, नया जो भी आएगा, तो फिर प्लेयर्स की कमी है। सो आई होप कि हमारे प्लेयर्स अकाउंटेबिलिटी लें एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। एंड या दैट्स इट, दैट वॉज अ रॉबरी केस भाई, वी वर स्टार्टेड एंड हमारे ड्रीम स्टार्टेड हो चुके हैं। सो भाई डू लेट मी नो एज अ चैट सेशन कि आपका क्या रिएक्शन था, एंड नाउ व्हाट्स नेक्स्ट पॉइंट इन फुटबॉल, वी डोंट नो भाई, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बढ़िया, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।